हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने जो आप देख रहे हैं भाई, यामा आर एक्स 100 खड़ी है 1990 मॉडल की, और इसका नंबर है MP04 है 3296 भोपाल पासिंग ये गाड़ी है। अगर है ना, आपने मेरे चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर होंगे तो आपने ये गाड़ी की वीडियो मेरे चैनल पे पहले भी देख ली होगी, क्योंकि सबसे पहले वीडियो मैंने इसी गाड़ी की डाली थी जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये गाड़ी अभी अपने पास खड़ी है, सीओर में खड़ी है, ये सेल के लिए अवेलेबल है ना। अब जिस बंदे की ये गाड़ी है, अब उसने फाइनल मूड बना लिया है कि ये गाड़ी उसको सेल करनी है ना। तो ये अपनी 1990 मॉडल गाड़ी है, MP04A है ना, भोपाल पासिंग गाड़ी है ये। और इसकी अगर अपन बात करें कि कागज़ में, तो कागज़ इसका भाई ओरिजिनल RC बुक मिलेगी, NOC वगैरह NOC है ना इस गाड़ी के साथ कुछ है नहीं है ना। ओरिजिनल RC बुक आपको दे देंगे, गाड़ी ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। मैं आपको गाड़ी में नंबर है ना, वीडियो में नंबर दे दूंगा, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। ये दो मॉडिफिकेशन का पार्ट है जो आप देख रहे हो, अलग से है ना, ये लेजर लाइट कहते हैं इन्हें, ये बहुत अच्छा फोकस रहता है इनका, ये एक मॉडिफिकेशन का पार्ट है। और गाड़ी है ना, मतलब रिस्टोर की गई है ये RX 100, और पूरा इसमें ना एक एक सामान आपको नया देखने को मिलेगा, सारा सामान इसमें नया डला हुआ है ना, और ओरिजिनल डला हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो UNO मिंडा के ये डले हैं, या फॉर यामा बस ये है, इसको छोड़ के सारा सामान आपको ओरिजिनल मिलेगा। ये साइड ग्लास वगैरह ना चमचमाता हुआ सारा सामान डाल रखा है इस गाड़ी में है ना। तो सामान इस गाड़ी में सारा ओरिजिनल डाला हुआ है। यामा 98 CC पेट्रोल टी, ये देखो पेट्रोल फिल्टर भी सिस्टमेटिक, ये जो पेट्रोल फिल्टर का है ना ये रहता है ना इसमें लगा हुआ है। RX 100 कलर देख लो भाई, ब्लू कलर है चमकता हुआ है ना। यामा का क्रोम भी देखो भाई, सारा सामान आपको गाड़ी में ओरिजिनल देखने को ही मिलेगा। ये देख लो UNO मिंडा, ठीक है, ये पीछे देख लो मिंडा की टेल लाइट, उसके बाद में आपको हेडलाइट दिखा दूँ, तो ये देखो भाई मिंडा की हेडलाइट है ना। सारा सामान गाड़ी में ओरिजिनल है, सारा नया सामान डाल रखा है। ये की सेट देख लो, ये यामाहा की चाबी, ये अपन की लगाई इसमें, ये देखो है ना। गाड़ी बहुत दिनों से खड़ी थी, 990 गाड़ी किलोमीटर चली है बनने के बाद। ये सब देखो है ना, लाइट के कंट्रोल्स, ये क्लच, ये अपना ब्रेक, ये जो आप स्विच देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा लाइट्स का है, ये जो है ना लाइट इसका स्विच है वो। ये 5 स्पीड में आता था, लेकिन ये टूल बॉक्स हमने इसमें भी लगा दिया है, और है ना। बाकी आप देख लो भाई, पूरी गाड़ी ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर की गई है। तो ये देखो G1 लिखा है, सारा सामान ओरिजिनल डाल रखा है इसमें, नया सामान, चमचमाती हुई गाड़ी है। तो जिसको भी भाई गाड़ी चाहिए हो तो ये सेल के लिए अवेलेबल है, ओरिजिनल RC बुक है गाड़ी के साथ, NOC नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपको चाहिए हो तो मैं ना नंबर डाल दूँगा, उसमें आप जाके कॉल कर लेना बंदे को और बात कर लेना भाई। भोपाल पासिंग ये गाड़ी है, ये Insta ID भी लिखी हुई है बंदे की, बाबू खान 9212, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये अपना कैरियर लगा हुआ है, ये सीट कवर है ना, ये ओरिजिनल पत्ती ऐसा है भाई, ठीक है। इसमें ये देख लो, ये रबर भी ओरिजिनल रखी हुई लगी हुई है चेन कवर की, EY एक्सपोर्ट यामाहा की जो आती थी EY, ये देखो एक्सपोर्ट यामाहा की है ना, ये यामाहा, ये इसकी ब्रांडिंग, ये अपना चौक यहाँ आता था यामाहा में 100 में, तो यही है। बाकी ऐसी गाड़ी है, रिफ्लेक्टर, ये अपना बटरफ्लाई शेप का लेग गार्ड वगैरह भी है। तो ऐसा ही है भाई, आप है ना पहली भी इस गाड़ी की वीडियो देख चुके हो तो मैं इतना ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ इसमें। ये गाड़ी अब अवेलेबल है, फाइनल बंदे ने मूड बना लिया, तो जिसको भी चाहिए हो तो वो कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको नंबर दे दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइट हेडलाइट।